टीम इंडिया से बाहर हुए बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी में मचाया तहलका। मैदान पर चला ऐसा जादू के सिलेक्टर्स को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली थी जगह, अब दिखाया ऐसा चमत्कार कि लोगों ने दबा ली दांतों तले उंगली। दलीप ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के फ्लॉप शो के बीच देवदत्त पडिक्कल का चला बल्ला। हर्षित राणा ने लिए 4 विकेट। वीडियो में जाने पूरी अपडेट। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ था। इस दौरे के लिए टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल को मौका नहीं मिला। उन्होंने भारत के लिए अपने पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था। अब दलीप ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को अपनी याद दिला दी है। दरअसल दलीप ट्रॉफी 2024 के दूसरे चरण के मुकाबले में मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली इंडिया ए का सामना श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया डी के साथ हो रहा है। इस मैच की पहली पारी में इंडिया डी के कप्तान श्रेयस अय्यर और धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। लेकिन इन दोनों अहम खिलाड़ियों के फेल होने के बाद टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का बल्ला चला, लेकिन वो नर्वस 90s का शिकार हो गए। वहीं पहली पारी में दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा की गेंदबाजी अच्छी रही, जिन्होंने इंडिया ए के खिलाफ 4 विकेट हासिल किए। इस मुकाबले में इंडिया डी टीम ने पहले खेलते हुए पहली पारी में शम्स मुलानी के 89 रन जबकि तनुष कोटियान की 53 रन की पारी के दम पर 290 रन बनाए। इंडिया ए के लिए पहली पारी में सबसे सफल गेंदबाज हर्षित राणा रहे, उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। इसके अलावा विधात कविरप्पा और अर्शदीप सिंह को 2-2 विकेट मिले जबकि सारांश जैन और सौरव कुमार को 1-1 सफलता मिली। इंडिया ए के 290 रन के जवाब में इंडिया डी टीम पहली पारी में पूरी तरह से लड़खड़ा गई। इंडिया ए के लिए पारी की शुरुआत करने आए अथर्व ताइडे 4 रन जबकि यश दुबे 14 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल पाए और डक पर अपना विकेट गंवा बैठे। इस सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे संजू सैमसन इस मैच की पहली पारी में नहीं चल पाए और सिर्फ 5 रन के स्कोर पर आउट हो गए। पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल ने इंडिया डी के लिए शानदार बल्लेबाजी की और 15 चौकों की मदद से 92 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 124 गेंदों का सामना किया लेकिन वो अपने शतक से चूक गए। पहली पारी में इंडिया डी 183 रन पर ऑल आउट हो गई। वेल दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि उन्हें टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए और वो अपनी इस दमदार बल्लेबाजी से भारतीय टीम को कई खेल जिता सकते हैं। वैसे देवदत्त पडिक्कल के इस प्रदर्शन को लेकर के, शानदार बल्लेबाजी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्रिकेट फैंस हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या देवदत्त पडिक्कल की टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें ताकि ये जानकारी हर क्रिकेट फैंस तक पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।